Hello dear all, now welcome back to the another question. Voh kya bolta oh girl, beta. Out of a group of swans, 7 by 2 times the square root of the number is playing on the shore of a tank and the remaining two ones are playing with enormous fight वाटर ठीक है कोई टेंशन नहीं वो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास हंड्रेड सॉन्ड्रेड सॉन्स इनमें से जो सेवन बाय टू सॉन्स हैं जो सेवन बाय टू सॉन्स हैं टाइम्स ऑफ अगर मैं उसी नंबर का अंडर रूट यहां पे कर दूं तो इतनी सॉन्स तो जो है वो टैंक के कॉर्नर में खेल रही हैं और बाकी बची हुई जो दो हैं अगर इतने लोग बिल्कुल कॉर्नर में हैं तो जितनी भी बची हुई स्वान्स हैं जो कि इस केस में टोटल दो हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रही हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है अब ना तो यहाँ हंड्रेड है ना तो यहाँ पे आपका हंड्रेड प्रोवाइडेड तो नहीं है तो सिंपल सी बात है अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास टोटल एक्स नंबर ऑफ स्वान्स थी जिसमें कि हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं स्वंस की जो कॉर्नर में बैठी हैं या जो वाटर में फाइट कर रही हैं खेल रही हैं तो सिंपल सा बात है टोटल नंबर ऑफ स्वान्स जो होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा तो क्लियरली इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स इज दिस ठीक है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल मेरे पास इतनी स्वान्स हैं सो एज पर द क्वेश्चन दिस टोटल नंबर ऑफ स्वान्स इज डिवाइडेड इनटू टू दीज टू थिंग्स ठीक है प्लस का टू तो अब ये टोटल नंबर ऑफ स्वान्स मुझे गिवन है ये जो खेल रही हैं और जो एक कॉर्नर में बैठे हैं तो यहीं पे मुझे अब इसको सॉल्व करना है और अगर मैं इसका एल्सियम लूंगा तो ये बनेगा टू एक्स इज इक्वल्स टू सेवन रूट एक्स और प्लस का फोर हो जाएगा यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है आपको ये समझ में आ रहा होगा ठीक है एल्सियम लेंगे ये वन ये क्रॉस मल्टीप्लाई सब इधर हो गया दूसरा चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ अंडर रूट एक्स को वाई तो क्लियरली दोनों साइड का अगर मैं देखूँ तो जो मेरा एक्स है वो यहाँ वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेवन वाई प्लस फोर में इसको अगर मैं इधर रीअरेंज कर दूं तो ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा ठीक है ये प्लस का फोर नहीं आएगा ये इधर आके जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे दोनों तो ये माइनस का हो जाएंगे यहाँ से जो आपको फैक्टर मिलेगा टू वाई स्क्वायर ठीक है अब आपको पता है एट है एट होता है एट इन वन तो माइनस का एट वाई प्लस का वाई माइनस फोर इक्वल्स टू तो ज़ीरो और अगर मैं यहाँ से टू वाई को कॉमन ले लूँ तो ये बना वाई माइनस फोर प्लस वन वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आपके पास आएगी माइनस का वन बाय टू और फोर कोई टेंशन यहाँ तक अब माइनस का वन बाय टू तो वी कैन नॉट ऑप्ट क्योंकि नंबर ऑफ स्वान्स वन बाय टू और माइनस में तो हो ही नहीं सकती हैं जिसको हमने लेट किया है सो क्लियरली यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो आया है फोर और वाई का जो आंसर हमें देखना है वो क्या होगा तो अंडर रूट एक्स जो है मेरा जो कि वाई था वो बना फोर टोटल नंबर ऑफ स्वान्स थी एक्स अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूँ दोनों साइड्स की अगर मैं दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करूँ तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा सिक्सटीन तो ये जो सिक्सटीन यहाँ पे आया है एक्चुअली दिस इज़ दी एक्चुअल नंबर ऑफ स्वान्स डेट इज़ प्रजेंट इन दिस पर्टूलर वट एवर वी कैन से अ पॉन्ड और समथिंग सो दिस इज़ माई आंसर होपफुली समझ में आया होगा एक लौता डाउट जो स्टूडेंट्स को होता है वो होता है कि इक्वेशन कैसे बनेगा तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है ठीक है आपकी जितनी भी स्वान्स थी कुछ वाटर के किनारे थी और कुछ उसी वाटर में आपके खेल रहे थे फाइट कर रहे थे तो हमने उनको दो हिस्सों में तोड़ा और इस वे से दिस क्वेश्चन इज डन होपफुली फुली क्लियर हो गया होगा थैंक यू